में कक्षा 9 के छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत। छात्र छीना नगौर का रहने वाला, घर से शिवपुरा गया था कोचिंग पढ़ने के लिए, तभी हुआ हादसा। घर से ट्यूशन पढ़ने निकले कक्षा 9 के छात्र को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत। वेद प्रकाश विश्वकर्मा पिता श्रीकांत विश्वकर्मा उम्र 15 साल छिंदा नागौत का रहने वाला था। अपने गांव छिंदा से 5 अक्टूबर को शिवपुरा गांव ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला। रोज ही वह शिवपुरा जाया करता था ट्यूशन पढ़ने। 5 तारीख को भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन घर से निकलने के थोड़ी देर बाद उसके घर में सूचना आ गई, वेद प्रकाश को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। परिजन उसको इलाज के लिए पहले नागौत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद वेद प्रकाश को सतना के जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन वेद प्रकाश को सतना के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां भी डॉक्टरों ने वेद की स्थिति को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जहां आज उसकी मौत हो गई। अस्पताल की पुलिस चौकी में 956/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शव का पंचनामा कराकर शव को परिजनों के हवाले करने की तैयारी कर रहा था अस्पताल प्रबंधन, तभी हमने वेद प्रकाश के परिजनों से बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर से कहना था 5 तारीख को लगभग शाम 5:30 बजे के आसपास वेद घर से निकला था शिवपुरा ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे रिश्तेदार ने हमको फोन करके बताया आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पाकर हम तत्काल ही घटना स्थल पर पहुंचे। बेटे को पहले नागौत, बाद में सतना, उसके बाद रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हमने भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वेद प्रकाश का एक्सीडेंट 5 अक्टूबर को हुआ था, उसकी मौत 11 अक्टूबर को हुई। माना जा सकता है वेद प्रकाश लगभग 6 दिन जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन उसके शरीर में घातक चोटें थीं, शरीर के पूरे हिस्से में, साथ ही सर में भी काफ़ी चोटें आई थी। अज्ञात वाहन ने उसको जोरदार ठोकर मारी थी। इलाज के उपरांत भी डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए। हमने वेद प्रकाश के परिजन से एक्सीडेंट को लेकर बात करने की कोशिश की। उनका भी साफ तौर से कहना था हमारे बेटे का 5 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, हमने पहले उसका नागौर, बाद में सतना और रीवा में इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत में कहीं भी कोई भी सुधार नहीं हुआ। अंततः आज इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हमने जब वेद प्रकाश के परिजन से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। सर, उस शाम का टाइम 5 तारीख थी, शाम 5:30 बजे था। बालक आया था ट्यूशन पढ़ने छिंदा से शिवपुरा। शिवपुरा वहाँ से 2 किलोमीटर है, 9वीं पढ़ता था सर। शाम को गाड़ी वहाँ से आ रही थी, ऐसे हुए तो कुछ जानकारी दी पड़ोसी हमारे गुप्ता जी ने जानकारी दी, मेरा भांजा है, उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हो गया सतना में से रिक्शा जाना चाहिए। फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उन्होंने रेफर किया यहाँ के लिए। फिर यहाँ एडमिट किए। कितने दिन एडमिट रहे? एडमिट 5 को एडमिट किए, कल 13 तारीख को अपना मतलब। आपका क्या नाम है? मेरा राजेश प्रसाद विश्वकर्मा। आपके कौन से? मेरा भांजा था। हाँ, नई और ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।